हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्री मिक्स की रिवीजन सीरीज में। और जल्दी से शुरू करते हुए इकोनॉमी पर आते हैं। इकोनॉमी स्पेशल है और इकोनॉमी के आपको 15 से 20 सवाल एग्जाम में नजर आएंगे, तो इसलिए बिल्कुल डट कर जाना। ओके चलो, FSLRC में पूछा गया पहले कि FSLRC ने क्या क्या रिकमेंड किया, ठीक है, कौन सी एजेंसीज बनाने की बात की है उसने। या तो वो बोलता है रिफॉर्म कर दो, या फिर एग्जिस्टिंग एजेंसी को बदल दो, या फिर उसको चेंज करके मर्ज करके बहुत सारी संस्थाएं मर्ज करके कुछ नया बना दो, ठीक है। तो ये ऐसी दो बातें करता है ये। तो FSLRC ने क्या क्या रिकमेंड किया, देखो RBI को उसने बोला RBI ही रहने दो, लेकिन RBI का सोल फोकस क्या कर दो, मॉनेटरी पॉलिसी पर ही ध्यान दे, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर ध्यान दे, तो इसलिए MPC, तो ये अपने आप रूल आउट हो जाता है। हाँ, उसने MPC का RBI को मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए कहा कि आप सिर्फ अब पब्लिक डेट मैनेजमेंट अलग कर दो, PDMA के लिए अलग संस्था बना दो, तो RBI किस पे सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी फोकस करे। तो इस तरह से MPC का जिक्र करता है वो, लेकिन अलग से MPC बनाने की बात नहीं करता, ठीक है, जिक्र होता है लेकिन अलग से बात नहीं करता, ठीक है। ओके, UFA बनाया बहुत सारे, जैसे सेबी और जितने भी हमारे बाकी जो रेगुलेटर्स हैं जैसे IRDA वगैरह, तो इनको सबको PFRDA को मर्ज करके UFA बनाया जाए। एंड GST की नहीं, ऐसे कोई बात नहीं करी उसने अलग से करने की, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, टैक्सेस वगैरह की बात नहीं। तो आंसर क्या निकल के आता हमारा, 1 और 2 ओनली, ठीक है, 3 और 4 नहीं है। ओके, ये सजेस्ट नहीं किए FSLRC ने। बाकी RBI का रोल को रीडिफाइन कर रहा है, मैं अगेन रिपीट करता हूं, MPC पे इसको फोकस करना चाहिए, जो पब्लिक डेट को छोड़ दे वो। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। वो कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये अगर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती तो कौन निकालता, IMF। इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है तो कौन निकाल रहा है, RBI, ठीक है। तो ये भूलोगे तो नहीं। रिपोर्ट्स पर वैसे भी सर ने बहुत एक मेहनत करके आपके लिए दुनिया जहान से इकट्ठा करके सामान बनाया रिपोर्ट्स पर, प्लीज पढ़ लेना, 2 सवाल नजर आएंगे एंड 4 मार्क्स हैं। ओके, देन जो अपने पास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात होती है, ये इट इज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तो क्या ये बात हमारी यहां पे सही है, तो दैट इज करेक्ट कि ग्राम्स ऑफ गोल्ड में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं। और अमाउंट ऑफ मनी इज प्रोटेक्टेड, नो दैट इज नॉट करेक्ट, मार्केट ड्रिवन है, अगर गोल्ड का पैसा ड्रॉप करेगा तो पैसे भी जा सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और उसको गोल्ड के आर अश्योर्ड ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड, दैट इज करेक्ट, ठीक है। एंड पीरियोडिकल इंटरेस्ट, गोल्ड की वैल्यू मिलेगी एंड थोड़ा सा 2.5% के आसपास इंटरेस्ट रखा है गवर्नमेंट ने, वो भी मिलेगा, तो 1 और 3 आर करेक्ट। ओके, 2 नहीं सही यहां पर। तो अब आगे, तो इसके बाद अगर देखें जो रिगार्डिंग रेपो रेट की बात हो रही है, तो रेपो रेट के रिगार्डिंग इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बात हमारी सही है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्यों है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मनी लेंडिंग के लिए होता है रेपो रेट, दैट इज करेक्ट। और कोलैटरलाइज बोरोइंग, दैट इज अगेन करेक्ट कि कोलैटरलाइज बोरोइंग क्यों है, क्योंकि सरकारी जितनी भी सिक्योरिटी बैंक की होती है उसको गिरवी रखनी पड़ती है कोलैटरल, ठीक है, एंड उसके बाद मिलेगा। अदरवाइज इसके रेपो रेट के बियॉन्ड भी हम जाके उधार ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कवर किया हमने, ठीक है। और उसमें लेकिन वो अनकोलैटरलाइज क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो SLR वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई है हमने, वो SLR वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम उधार रख देते हैं, ठीक है, तो एक तरह से अनकोलैटरलाइज हो जाती है। एंड इसलिए ये सेंट्रल बैंक को मैनेज लॉन्ग टर्म, नो नॉट लॉन्ग टर्म, अभी बात की हमने, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा अपने आप ही लगा लो, 1 और 2 ओनली। ओके चलो, आगे है रेपो रेट के बारे में बात की है, मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म वगैरह वगैरह, तो ये। एंड उसके बाद हमने सब वीडियोस बनाए हुए हैं, आपने सबने देखे होंगे ये। तो उसके बाद जो ये GDP कैलकुलेशन में क्या बदलाव किया गया, तो चेंजेस क्या थे कि GDP एट मार्केट प्राइसेस, नो GDP एट फैक्टर कॉस्ट करते थे कैलकुलेट, एट मार्केट प्राइसेस में पहुंच गए। उसके बाद जो बेस ईयर चेंज हुआ 2004-05 से कितना हो गया हमारा, 11-12, ठीक है। एंड उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से डेटा आता, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आता, ठीक है, MCA बोलते हैं उसको, जो डेटाबेस का नाम भी क्या है, जहां से उठाते हैं सॉफ्टवेयर का नाम भी, MCA 21 है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21st सेंचुरी वाला, 21वीं सदी का। तो हमारा आंसर क्या निकल के आता है इसका, कोई भी सही नहीं निकला, तो नन ऑफ दीज। ओके चलो, ये भी हो गया हमारे पास। एंड उसके भाई, एंड देन अपने ये जो आंसर्स आपने मार्क कर लिए, देन लेट अस मूव ऑन टू प्रीमिक्स 20th। और प्रीमिक्स 20th पे ये सब जो अभी तक आपने पढ़ा उसका एक और रिवीजन में भी रिवीजन। ओके ठीक है, तो ये कहते हैं मालदीव्स क्लाइमेट चेंज के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये मेगा डाइवर्स कंट्री है, दैट इज नॉट करेक्ट, 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं दुनिया में, मालदीव्स इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। एंड उसके बाद जो ये लो लाइंग कंट्री है, तो ग्लोबल वार्मिंग में ये डूब सकती है, दैट इज करेक्ट। तो आंसर इज 2 ओनली, ओके 2 इज ट्रू। देन आ गया साइट्स के रिगार्डिंग, है ना, साइट्स में कह रहे हैं बोथ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये तो आपको नाम में दिख रहा है ना, फ्लोरा एंड फौना, तो ये दैट इज करेक्ट। एंड उसके बाद 3 अपेंडिसेस होते हैं इसमें, जिसके जो हिसाब से इसमें, सॉरी ऊपर यहाँ पे वर्ड मार्क करना है, प्रोहिबिट्स है, इट इज प्रोहिबिट्स, ये प्रोहिबिट नहीं करता, इट ओनली रेगुलेट्स, ठीक है, ये प्रोहिबिट नहीं करता सर, रेगुलेट करता, तो गलत हो गया ये, वाइल्ड एनिमल प्लांट तो ठीक है चलो, लेकिन एक एक शब्द नोट करना है आपने, तो ये गलत हो गया। एंड देन
उसके बाद नेक्स्ट है साइड्स में तीन अपेंडिक्स हैं अपने लगे हुए, दैट इज करेक्ट। तो आंसर हो गया टू ओनली। तो साइड्स में वैसे भी हमने डिस्कशन की हुई है, अपेंडिक्स 1, 2, 3 ये वो, ठीक है ओके। और सिर्फ उनका थ्रेटन ताकि ना सर्वाइवल थ्रेटन ना हो। अब एमपीसी के बारे में अगेन बात हो रही है, एमपीसी किस किस ने रिकमेंड करी, ये अगेन हमने मेंस में भी इस पे वीडियो बनाया था, एक जो मेंस था लास्ट टाइम। तो ये सभी की सभी कमेटीज ने वेरियस टाइम पे एमपीसी की बात की है, ठीक है। आप कहोगे एफएसएलआरसी में अभी तो हमने देखा नहीं कि एफएसएलआरसी ने बात की है कि अब आरबीआई का रोल क्या होना चाहिए, सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, ये मॉनिटरी पॉलिसी वाला काम करे आरबीआई, पीडीएमए और जो जो अपना जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट है वो अलग एजेंसी बना दी जाए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जिक्र तो करता है एमपीसी बनाने का, ठीक है। तो इसलिए आपने ये करेक्ट मार्क करना है कि एफएसएलआरसी ने किया है, लेकिन हाँ अलग इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की, आरबीआई को ही बोला गया है ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी के सभी करेक्ट हैं, बाकी किसके, सिर्फ उर्जित पटेल के कहने से जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आई तो एमपीसी क्रिएट करने की बात शुरू हो गई थी, तो प्रोसेस शुरू हो गया ओके। देन चाबहार पोर्ट, क्या ये पर्शियन गल्फ पर, अभी बात की थी हमने कुछ देर पहले कि नहीं पर्शियन गल्फ पर नहीं है, ये गल्फ हमारा किस पर है, ओमान पर, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान पर है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। एंड ओनली ओशियनिक पोर्ट, दैट इज करेक्ट, ठीक है, ये सिर्फ इकलौता ओशियनिक पोर्ट है, तो हमने करेक्ट ही बताना था, तो हमारा करेक्ट भी सही हो गया ओके। एंड देन ये आपको दिख रहा है ये चाबहार, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान पर लगा हुआ है ओके। देन आगे क्वेश्चन नंबर 5, आरसीईपी, जो आरसीईपी क्या होता है, एशियान में हम जब 6 लोग ऐड कर देते हैं तो आरसीईपी निकल के आता है, चाइना भी है उसमें, म्यांमार भी है, ठीक है, लाओ एंड ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहाँ पे पूछा गया कौन से कंट्रीज मेंबर हैं, सभी के सभी कंट्रीज मेंबर हैं आरसीईपी की। और आरसीईपी में अगर हम प्लस 2 कर देते तो क्या बन जाता है वो, एडीएमएम, ठीक है, एडीएमएडी एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, एडीएमएम कहलाता है वो दो कौन से ऐड होते हैं, रशिया एंड यूएसए ओके। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो आंसर वैसे डी मार्क्ड है लास्ट का, लेकिन वो थोड़ा मिस्टेकनली मार्क हो गया था, ठीक है, तो आंसर इसका सी है ओके। चलो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले जो प्रीमिक्स में 21st में, जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए आप सब लोग, और इत्मीनान से और जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल तो हमने बाकी अपने प्रीमिक्स बनाए हैं, जो ये सभी प्रीमिक्स बने हुए हैं पहले से ही, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, इनको दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।